नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आबकारी विभाग द्वारा जगह जगह दबिश देकर अवैध शराब की तस्करी करें और अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी ने बताया कि मुखबिर सूचना पर परगी थाना के पास समत पिपरिया में दबिश दी गई। दबिश में अलग अलग स्थानों पर भट्टी पर बन रही कच्ची शराब को जब्त किया गया और उसे बनाने वाले लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तकरीबन 25 लीटर शराब और प्लास्टिक के डिब्बों में भरे लाहन को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का के तहत 3 प्रकरण दर्ज किए हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी सर, किस प्रकार की कार्रवाई की गई, कहाँ पे? आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम समत पिपरिया में नर्मदा तट पर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है। उक्त सूचना पर अभी शाम 5 बजे के आसपास दबिश दी गई थी, तो मौके पर 2 चढ़ी भट्टियाँ और प्लास्टिक के डिब्बों में लगभग 120 किलोग्राम महुआ लाहन और 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आरोपी का? नाम गणेश पिता बहुरी वर्मन है। कितनी शराब? 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद। और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।